Good to go, Chief. Ready. जाने क्या होगी शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान की कहानी। शाहरुख खान की बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्म जवान की घोषणा हो गई है। जवान का निर्देशन एटली कर रहे हैं। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलने वाला है। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है जिसमें किंग खान का जबरदस्त अंदाज नजर आ रहा है। एटली साउथ के मशहूर डायरेक्टर है जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। इनमें राजा रानी, थेरी, मर्सल और बीगिल जैसे कुछ फिल्मों का नाम शामिल है। अब एटली शाहरुख खान के साथ जवान में अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा था। अब फिल्म से किंग खान का लुक सामने आया है जिसमें शाहरुख खान को एक रफ बैकड्रॉप के बीच घायल और पट्टियों में लिपटे हुए दिखाया गया है। लार्जर देन लाइफ एक्शन एंटरटेनर फिल्म 2 जून 2023 को दुनिया भर में 5 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज की जाएगी। फिल्म के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा, जवान एक यूनिवर्सल कहानी है जो भाषाओं, भौगोलिक क्षेत्रों से परे है और सभी के आनंद के लिए है। इस अनोखी फिल्म को बनाने का क्रेडिट एटली को जाता है जो मेरे लिए भी एक शानदार अनुभव रहा है क्योंकि मुझे एक्शन फिल्में पसंद है। टीजर सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले समय की झलक देता है। जवान बनाने के बारे में बात करते हुए निर्देशक एटली ने कहा, जवान में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वह एक्शन हो, इमोशन हो, ड्रामा हो, सभी को एक विजुअल ट्रीट बनाने के लिए बुना गया हो। मैं दर्शकों को एक असाधारण अनुभव देना चाहता हूँ, एक ऐसा इवेंट जिसे वे सभी एक साथ एंजॉय कर सके, और इसे देने के लिए शाहरुख खान से बेहतर और कौन हो सकता है जिसे पहले कभी पेश नहीं किया गया था। बात करें फिल्म के टीजर की तो 1 मिनट 30 सेकंड की क्लिप में शाहरुख खान को सिर और हाथों पर पट्टी बांधे हुए मशीन गनों से भरे एक सीक्रेट जगह पर गोला बारूद और कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ देखा जा सकता है। दरअसल उनका यह लुक हैरान कर देने वाला है। शाहरुख खान के अन्य किरदारों के विपरीत इस फिल्म में वह खून से लथपथ और चोटिले दिखाई दिए और उनका पूरा चेहरा पट्टियों में लिपटा हुआ दिखाई दिया। लेकिन शाहरुख खान के इस लुक को देखकर आपको डेजा वू का फील आ रहा है तो आपको बता दें कि उनका ये लुक 1919 में आई सैम राइमी की एंटी हीरो फिल्म डार्कमैन की कॉपी लगता है, ऐसा लोगों का कहना है। लियाम निसन ने एंटी हीरो फिल्म डार्कमैन में साइंटिस्ट पिटन का किरदार निभाया है जो आर्टिफिशियल स्किन डेवलप करता है और खुद ही लैब में अपने पर एक्सपेरिमेंट करता है और इस दौरान उसकी लैब में ब्लास्ट हो जाता है और वह घायल हो जाता है। अपनी चोटों से पागल और प्रतिशोध की भावना से भरकर वह डार्कमैन बन जाता है। लोग शाहरुख खान के जवान की तुलना डार्कमैन के लियाम निसन से तुलना कर रहे हैं। दोनों के लुक में काफी समानताएं हैं, लेकिन बता दें कि यह लुक 90 के दशक में आई फिल्म डार्कमैन से कॉपी नहीं किया गया है। डार्कमैन में पीटन ज्यादातर रात के समय बाहर निकलता है क्योंकि जब वह रोशनी में निकलता है तो उसकी सिंथेटिक स्किन केवल 99 मिनट तक रहती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में। जवान को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है। फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में है और यह गौरी खान द्वारा निर्मित है। जवान 2 जून 2023 को 5 भाषाओं में रिलीज होगी जिससे यह शाहरुख खान की पहली पैन इंडिया फिल्म बन जाएगी। इस फिल्म के ऐलान के साथ शाहरुख खान अगले साल 3 फिल्में डंकी, पठान और अब जवान के साथ दर्शकों और उनके प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके पास इस वक्त 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जवान के अलावा उनके पास पठान और डंकी जैसी फिल्में भी हैं। फिल्म पठान की बात करें तो इसे यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है। फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी मुख्य किरदार में शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। यह फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पठान को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाएगी। वही फिल्म डंकी की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिरानी कर रहे हैं जिसमें शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू भी नजर आएंगी। इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों
अरे खान साहब इधर भी। ये हम लोगों की कहानी है, बहुत ही अच्छा है। मैं बस ये चाहता हूँ, मेरी दुआ है ये फिल्म कामयाब हो बॉक्स ऑफिस में। बहुत ही प्यारी फिल्म है। बहुत सारे ऐसे किरदार जिन्हें हम हमेशा देखते हैं और ये बोलते हैं अरे ये उसमें देखा था लेकिन नाम हमें नहीं याद रहता, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की ये कहानी है। और ऐसा कई दशकों से ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिनके चेहरे हम जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते, तो ये कहानी उन लोगों की है और लोगों को जाके देखना चाहिए। थैंक यू, होली मुबारक। आगे विजुअल ये किसका है? अरे थोड़ा छोड़, वेट वेट द वीडियो, वेट वेट अपना ये वीडियो है, वीडियो है इसका। रुक जा, इसे छोड़ ले, वीडियो ले ले, बड़ा अच्छा है। किधर देख किधर ये किसका है? कौन है जिसका? थोड़ा कम करके देता हूं। ये मेरा ये वाला ये ले तू चल निकल।
लोग रुकावरे दूसरे के बंदूक पे हाथ लगे थे वीडियो राइट थैंक यू बोल ना पवन क्या हुआ क्या हुआ किधर गए लोग किसले हाँ हमको भी चाहिए यस यहाँ पे मैम यहाँ पे अजय को चाहिए बेताली अच्छा लग रहा लाइटिंग अच्छा लग रहा हाँ इते बस होल्ड होल्ड पीछे थोड़ा मार राइट में शाहरुख को भी ऐसे बोलना थैंक यू आदि सर वीडियो के लिए अर्जुन का वीडियो सही है तेरे को सर यार सर हाँ श्रद्धा का बर्थडे मनाया कि नहीं हाँ मनाया मजे पे भरोसा मैम इतने यार कितन बोल मैम वीडियो के लिए थोड़ा पीछे मैम लुक हियर मैम राइट मैम यहाँ पर सेंटर Thank you. Thank you, ma'am.
अरे ले ले, तेरे को वाइड मिल रहा है। लेकिन कैसे लेगी पीछे बता ना, अभी तो हो गया है। आएगा इधर अरे मैडम मैडम पीछे लो, फोन पीछे लो प्लीज, और पीछे लीजिए मैडम मैडम अरे आरती थोड़ा पास चलो, पीछे 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 मैडम मैडम आ रहा है पीछे लो, इधर आएगा ना इधर यार, शमशाद में चुतिया पकिया मेरे को भी आएगा इधर लेंगे ना, देख मेरे में भी विजुअल तो वो है यार, मेरे भी फ्रेम में आ रहे हैं लोग देखना, कितना पॉइंट करेगा। हाँ सर तेरे नेक्स्ट टाइम लोग मेरा आ गया, अरे मेरे में भी आए थे, किधर मिल रहा है क्या मेरे को, तेरे को शाहरुख खान खड़ा वो तो मिल रहा है ना, वाइड में मिल रहा है ना पूरा, ये टाइट में किधर मिले, आएगा इधर ना, ये ले मैं इधर थोड़ा फिर तो हूँ टूटे आ गया ना, मिल रहा है ना ये तो सर वीडियो के लिए बोलो, यहाँ पे के लिए विनोद राम प्रमोद सर 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 वीडियो सर सर ट्यूज भी पासिंग बंद, अरे भाई ये स्टील ट्यूज भी है ब्लैक शर्ट सर वीडियो सर वीडियो दादा वीडियो सर वीडियो वीडियो सर सर प्लीज साइड प्लीज साइड प्लीज साइड साइड प्लीज भाई नीचे बैठ जा भाई वो सर वीडियो के लिए सर वीडियो के लिए सर वीडियो के लिए सर वीडियो के लिए वीडियो के लिए
ये बोलो रे वीडियो के लिए एक मिनट सर वीडियो के लिए वीडियो के लिए काम का वीडियो के लिए सर वीडियो के लिए सर प्रबोध हाँ अरे गाली नहीं मत करना यार इधर ये लाइट बंद यहाँ पे ज़्यादा लाइट दिख रहा है वहाँ पे कम दिख रहा है directing
Wait, ma'am. Sir. Thank you.
राइट से वेट मैम वेट मैम ये चुनु चेटी सेंटर अमृता जी यहां पे जी आप मैम यो मैम लुक यहां स्ट्रेट भाई इल्ला मत यार इल्ला मत शाम शाम पीछे ना भाई सही हो
उधर सेंटर सेंटर Thank you.
स्ट्रेट Start from here, on your right. Come on your right. All of you center, center. Look straight. Yes. Look here. मैं निकम्मी हो गई वहां से. हाँ चलेगा, ये रिलीज तक मैं ठीक हूँ. इस नाम से मैं इसी नाम से जानी जाऊंगी. नहीं, बहुत खुशी है मुझे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैजेंट है.
And I think it's a great opportunity for married women, जो मुझे ऐसे लगता है कि अपनी पहचान भूल जाती हैं या खो देती हैं शादी के बाद. ज़्यादातर लड़कियाँ जानी जाती हैं अपने पति के सरनेम से. बहुत कम मेरी जैसे अपना सरनेम रखती हैं, मिडिल नेम रखती हैं. बट इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है. पर आई फील अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहिए. एंड आई फील हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है बचपन से, स्पेशली इंडियंस, के यू नो यू एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ योर फैमिली. एंड आफ्टर आफ्टर मैरिज ऐसे हो जाता है कि बस सब कुछ अपने फैमिली के लिए ही करती हैं लड़कियां, और अपने बारे में भूल जाती हैं एंड अपने लिए करना बंद कर देती हैं, यू नो. एंड अगर करती भी हैं तो बहुत ही अपोलोजेटिक फील करती हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसा पैजेंट का होना फॉर दोज वीमेन हु आर मैरिड, और मुझे ऐसे लगता है दे फील कि शादी के बाद नोबडी वॉन्ट्स देम, यू नो. और ऐसे मतलब कुछ हासिल करने के लिए रह नहीं जाता इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्यूटी एंड ग्लैमर. तो ऐसा जब एक पैजेंट हो जाता है तो यू जस्ट फील के यू नो देयर इज समथिंग दैट इंसेंटिवाइजेज वुमेन कि खुद अपनी पहचान को बनाए रखे, अपनी पहचान यू नो ताकि उनको वापस मिल जाए. एंड आई जस्ट फील इट्स रियली वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ जज ओवर हियर. एंड So yes, I feel really happy and elated, and I want to thank Shweta and Ranbir. Yeah. I just feel that you have to, अगर आपको काम करना पसंद है, एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे नहीं कि बस काम ही करो और फिर अपने अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर करो. वो बैलेंस बनाए रखो. अगर आप काम भी कर रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी उतना ही अहमियत दें. एंड प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. अपना 100% देना उस वक्त में, उस क्षण में रहना बहुत ज़रूरी है. तो जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं 100% अपनी फैमिली की होती हूँ. जब मैं सेट पे होती हूँ, आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं 100% अपने काम को देती हूँ. सो आई जस्ट थिंक या जी थैंक यू आपके ज़रिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ. जब मैंने ट्रेलर पहली बार देखा तो मुझे ऐसे लगा कि वाह यार क्या कमाल ट्रेलर है. बिकॉज आई लव मासी एंटरटेनर्स, जो निकम्मा फिल्म हम लोग रिलीज़ करने जा रहे हैं 17 जून को. मुझे ऐसे लगा, मैं शायद बायस्ड हूँ, लेकिन सभी को बहुत अच्छा लगा. गाने बहुत अच्छे हैं हमारी फिल्म में. और एंड इट्स एन आउट एंड आउट मासी एंटरटेनर. सो आई रियली होप यू गो एंड यू सी इट. एंड मुझे एक नए अवतार में मैं खुद दिखूँगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे लेकर. आई नो 21st को मैं लंदन रहूँगी, लेकिन उस वक्त वहाँ से मैं योगा करूँगी. थैंक यू सो मच. हैप्पी इंटरनेशनल इस मौके का. 1 मिनट ये बात के लिए आप यूज कर सकते हैं. सॉरी चलो 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 यहाँ से बैठ. Yeah, better issue. Hello. Hello, sir. What are you looking for? Yeah, you are looking. I'm looking dapper. It's dapper. Yes. Today. Yes. Should I stick it? Roll. Near? Roll. श्वेता
Well, I'm really very nervous because, as I always said, that this year is bigger and better. And you can see the venue, you can see people out here. You have already seen the contestants. So yes, it is going to be very big, and it's a very special day for me. So I'm just looking forward. जो साल भर पहले बीज बोया था ना, वो अब पेड़ बन गया है. In fact, एक साल पहले. Yeah. So this is the round two नहीं कह सकते, this is the grandeur, मतलब एक भव्य शुभारंभ भी नहीं कह सकते. मैं क्या कहूँ, आज मैं अल्फाजों से कम, क्योंकि मज़ा इतना आ रहा है, नर्वसनेस इतनी ज़्यादा है, और सारी टीम ने बड़ी मेहनत की है. हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है, वी गॉट 20, वैसे तो कितना, 300 एंट्रीज, मोर देन 300, यस, एंड वी गॉट 20 फाइनलिस्ट, यस, फाइनलिस्ट. सो वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ऑन फिर शिल्पा शेट्टी आ रही है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो हो गया. एंड हमने साथ में स्टार्ट किया था सीजन वन, तो हम सबके लिए बहुत स्पेशल है. सो या आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई मेट श्वेता, कि ये किस तरह का इवेंट होने वाला है, इनका विजन क्या है. तो इनिशियली मैं बड़ा नर्वस था, लेकिन भाई काबिल तारीफ है कि इन्होंने जो है जो कहा वो बिल्कुल उस पर खरी उतरी. थैंक यू प्रीतम. वरुण, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर ये तो बड़ी लास्ट मिनट टिप हो गई अब, बट यू हैव टेकन सेशन विद ऑल द कंटेस्टेंट्स, आपकी क्या राय है इस बार के कंटेस्टेंट्स को लेकर? आई थिंक कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं, और कल हमने टैलेंट राउंड देखा, तो उससे तो मुझे लगता है कि कंपटीशन और टफ हो गया है. सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड आई थिंक मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट्स इस कॉन्टेस्ट का पार्ट हैं, वो सब अपने आप में ऑलरेडी विनर्स हैं, बिकॉज ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म श्वेता और उनकी टीम ने प्रोवाइड किया है कंटेस्टेंट्स को, कि वो ना केवल अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, पर अपने आगे के जो उनका गोल है लाइफ में, उसके लिए भी वो तैयार हो रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू विश ऑल द लवली कंटेस्टेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मे द बेस्ट वन विन. यस, आई एम एक्साइटेड, इसलिए मैं बाद में बोल रही हूँ एंड में, ताकि ये जो बोले उसे रिपीट ना करूँ. सो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन एक्सपर्ट हूँ. यू नो दे से दैट यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन. सो आज जो भी ड्रेसेस मेरे कंटेस्टेंट्स पहन कर आएंगे, मैं उनको ये जज करूँगी कि आधे कंफर्टेबल, बिकॉज कई बार जब हम भी वी आर वेयरिंग समथिंग ऑफ शोल्डर, सो यू नो वी आर ऑल द टाइम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट. सो यू नो कितना कंफर्ट लेवल है उन लोगों का, इतने बड़े जूरी के सामने खड़े होके उनके क्वेश्चन, और उनको ऑफकोर्स कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन क्या होने वाले हैं. तो येस श्वेता, कॉम्पिटिशन तो होने वाला है ऑफकोर्स, और हर कॉम्पिटिशन में विनर भी होता है, और यहाँ भी हम विनर ही डिक्लेयर करने वाले हैं. लेकिन यू नो कल जब मैंने परफॉर्मेंस देखी तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी. सो आज बहुत ही आई थिंक वो टिपिंग पॉइंट होगा कि ये या वो, बट वही तो मज़ा है इस कॉम्पिटिशन का. सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. यस, सो मैं शिक्षा सेवा फाउंडेशन के लिए भी काम करती हूँ, एंड मैंने कुछ बच्चियों को अडॉप्ट भी कर रखा है, तो आज मेरी बच्चियाँ रैंप पे चलेंगी, एंड आप लोग को भी अच्छा लगेगा देख करके, बिकॉज ये इन बच्चियों को पढ़ने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है. सो अगर इस कॉज को देख करके और 10 लोग आगे बढ़े, और अगर एक एक बच्चे को भी अडॉप्ट करे उनकी स्टडीज़ एंड उनका खाना पीना रहना, तो मेरे लिए ये शो बहुत सक्सेसफुल रहेगा. सो वेरी गुड. उधर जब आप किसी के साथ रहते हैं, तो उनके हाव भाव, उनके किरदार के बारे में जानते हैं, तो जितना भी दिन मैंने उनके साथ बिताया है, तो सब जो है ना, वो कोई आपको कोई हम्बल बैकग्राउंड से मिलेगा, कोई जो है बहुत कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से मिलेगा, किसी की ज़िंदगी क्या चल रही है जब आप मिलते हैं तो पता चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर सारी चीज़ों को दरकिनार करके जो है एक मुस्कान चेहरे पर ला करके अपनी पहचान बनाने के लिए आज वो यहाँ आई हैं. तो मुझे लगता है कि ये उनका दिन है, और हम सिर्फ जो है उनका साथ दे रहे हैं, उनको विंग्स दे रहे हैं आज टू फ्लाई हाई इन द स्काई. Thank you.
कैसे हो आप सब? क्वीन इंडिया मिसेस क्वीन इंडिया या ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यू नो कि हर किसी को अपनी पहचान यहां पर बनाने का मौका है, नए लोगों को, टैलेंटेड लोगों को। बताइए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर टैलेंट है तो उसे आप एक्सप्लोर कीजिए, और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है क्वीन इंडिया का, वहाँ पे आपको ये मौका दे रहा है कि आप इसको एक्सप्लोर करें। एंड मैं पूरे टीम को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हम सभी के अंदर वो इच्छाएं होती है, वो टैलेंट होता है, पर अपन कर नहीं पाते। बट आई एम ग्लैड कि सारे पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट ये सभी कर रहे हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक बहुत एक मेगा इवेंट है। एंड यस, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, थोड़ा सा अपने अटायर के बारे में आप बताइए, थोड़ा कुछ अगर आप बता सकते। हाँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यस, मैंने एक गाउन पहना है, एंड मेरे जो स्टाइलिस्ट है उसने इसको बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। सो या, जब भी आप इस तरह के फंक्शन में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, तो क्या आप सोचती हैं किस तरह से अपने लुक्स को अपने प्रेजेंट किस तरह से करना है, कितना आप सोचती हैं? मैं सबसे ज़्यादा तो सोचना तो डेफिनेटली मेरी टीम का काम है, सॉरी मैं उसके क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी, बट डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूँ, और सबसे ज़्यादा कि मैं उसमें कंफर्टेबल रहूँ। भले ही ड्रेस देख के बहुत लग रहा है कि हाँ हैवी है, पर आई ऑलवेज प्रेफर कि लाइटर वेट हो, ताकि मैं जब भी कोई किसी इवेंट पर जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ कम्फर्टेबल रहूँ, दैट्स व्हाट। और मुझे लगता है कि फैशन, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कुछ भी पहनो, आप अच्छे ही लगेंगे। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी खतरों की खिलाड़ी शुरू हो चुका है, सारे सेलिब्रिटी जा चुके हैं, आपके कोई फेवरेट है, कोई आपको कोई फ्रेंड जा रहा है, जैसे कि शिवांगी है, प्रतीक है, निशांत है, कई सारे सेलिब्रिटी जा रहे हैं, तो कोई है आपके फ्रेंड्स जो? फिलहाल तो आई जस्ट I wish them all the best, congratulations, but मैं personally किसी को तो नहीं जानती, but definitely अगर वो लोग गए हैं तो अच्छे से enjoy करें, और जो सच सबके अंदर जो जीतने की जज्बा है, सभी जीत के तो आना पॉसिबल नहीं है, कोई एक ही जीतेगा, so wish them all luck। आप कभी जाना पसंद करेंगे इस तरह? या डेफिनेटली आई एम, मुझे तो खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली अगर मौका मिले तो क्यों नहीं, क्योंकि बहुत एडवेंचरस है। बस यस, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मुझे स्नेक फोबिया है। सो या, एक और चीज़ है जो अंदर सारे कंटेस्टेंट्स हैं, या दे आर अनमैरिड, और दो या दे आर स्टिल वॉकिंग द रैंप एंड दे आर डूइंग ऑल द मूविंग सेशंस, या या या, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? एक्चुअली क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक लड़की की, अगर एक औरत की अगर शादी हो जाए तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो मुझे एंड सारे जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर आप मैरिड भी हो जाए, अगर आप, आपके परिवार है, अगर आप नहीं भी, मतलब आप बैचलर है, जो भी है आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, फिर भी जो आपकी जो ड्रीम है उसको अचीव करने की जो आपकी इच्छाएं हैं, वो हमेशा किपट अप रखना चाहिए, और इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, एंड शो, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शो इज़, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। थैंक यू सो मच।
एक्चुअली ये मेरा जो लुक है ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ लास्ट मोमेंट वाला लुक है, क्योंकि लाइक जब हमें इनविटेशन मिला था उसके बाद लाइक हमने डिज़ाइनर को बताया और उन्होंने एक दिन में ये ड्रेस बना के दिया. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ड्रेस. मुझे सबसे पहले ये फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा है एंड दिस आउटफिट ओवरऑल. सो आई गेस लाइक ये लास्ट मोमेंट वाला लुक था, बट स्टिल आई लव इट अ लॉट. लाइक सब जो भी मुझे देखते हैं एवरीवन इज लाइक इतनी बड़ी हो गए आप तो कुल्फी हो ही नहीं सकते, क्योंकि लाइक सबके दिमाग में कुल्फी इतनी छोटी सी है अभी तक. सो लाइक बड़ी हो गई हूँ, मेरी हाइट भी जल्दी बढ़ी है, तो लाइक किसी को अभी बिलीव भी नहीं होता है बट बढ़ रही है हाइट. आने वाले दिनों में शोज हम आपको देख पाएंगे, आने वाले दिनों में कुछ आप बता सकते हैं? अभी एक्चुअली मैं थोड़ा स्टडीज़ पे फोकस करने का कोशिश कर रही हूँ, बट बाकी सब मेरे मॉम डैड हैंडल करते हैं, और अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो ऑफ कोर्स आई विल डू इट. हमने आपको डांस दीवाने में देखा था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद करण सर? हमेशा से आपकी काफ़ी मस्ती हुई. यस यस यस. बहुत मज़ा आया एक्चुअली, क्योंकि लाइक आई वाज नॉट श्योर कि वो कैसे होंगे. सो लाइक ही केम, ही वाज वेरी फ्रेंडली एंड लाइक फ्रेंड की तरह हमने मस्ती किया पूरे शो में, इम्प्रोवाइजेशंस की बहुत सारी. ओवरऑल इट वाज अ फन. इससे पहले एक्चुअली मैं उनसे नहीं मिली थी, तो लाइक हमने वहीं पे उस शो के पहले एक रिहर्सल करी थी, तो लाइक उसी में सब कुछ किया था. ओवरऑल इट टर्न्ड आउट प्रीटी गुड. तो आने वाले दिनों में हम आपको देख पाएंगे फिर से करण के साथ होस्ट करते हुए, मतलब शो के अंदर आपको बुलाया जाए तो. अभी देखते क्या होता है. ओके, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? कोई फिल्म आप देख रहे हो? देखा आपने जो ज़्यादा आपको पसंद आए, या वेब सीरीज कोई? अभी मैं मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ देख नहीं रही हूँ, बट लाइक मैंने भूल भुलैया 2 देखी थी रिसेंटली जो अभी आई थी. सो इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि जब से मैंने भूल भुलैया 1 देखी थी और लाइक मुझे 2 का पोस्टर दिखा था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे देखनी है. मुझे भूल भुलैया में सर ऐसे ऑन स्क्रीन कोई कैरेक्टर, एक्चुअली मेरे बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं. लाइक डिज्नी पे बहुत सारी सीरीज़ आती हैं, उसमें लाइक एक सेलेना गोमेज़ का शो था, सीरीज़ थी, उसका नाम था विज़र्ड्स ऑफ वेवरी पैलेस. उसमें आई थिंक मैं सेलेना का रोल प्ले करना चाहूँगी, इट वुड बी वेरी नाइस. शी वॉज लाइक अ विज़र्ड इन मैजिक एंड ऑल, सो लाइक दैट रोल वुड बी वेरी नाइस. थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूँगी एंड स्पेशली इशरत दीदी को, क्योंकि मैं उनके साथ वर्क कर चुकी हूँ एज अ को आर्टिस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विश एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. कभी आप रेड कार्पेट में कभी वॉक किया है आपने, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें अपने? हाँ, बहुत बार किया है मैंने इन अवार्ड शोज एंड मैनी इवेंट्स रेड कार्पेट पे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे. आई एम जस्ट शिवरिंग. आपके अटायर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या है आपका अटायर? वो बहुत ही ब्यूटीफुल आप लगे.
okay, so I am wearing Tutus by Tutu by Shivangi Didi, and she designed this beautiful coat pant set for me, and मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में. I paired it with black heels. Thank you. मैं छुप ही जाती हूँ पारों के बीच. वेल, बहुत अच्छा लग रहा है. आज फाइनली फाइनल डे आ गया है. दैट आवर विनर विल बी डिसाइडेड, बट आई थिंक फॉर मी ऑल आवर विनर्स, सब इतने अच्छे रहे हैं अभी तक की जर्नी में. सो फॉर मी ऑल आवर विनर्स. हमारे आउटफिट्स, वेल मैंने तो बहुत एक सिंपल सा गाउन पहना. इट्स बाय द ब्रांड कॉल्ड द शी साइड एंड स्टाइल बाय रीमा एंड या पारुल इज ऑल ब्लिंगी. सो ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटेड फॉर द फिनाले टुडे. और हम लोग फर्स्ट सीजन से जुड़े हैं इनके साथ, आप सेकंड सीजन पे पहुंच गए हैं. टाइम रियली फ्लाइज. फर्स्ट सीजन की कंटेस्टेंट्स देखी नहीं, अब सेकंड सीजन के कंटेस्टेंट्स. द कंपटीशन इज ओनली गेटिंग बिगर, इट्स बिकमिंग ग्रैंडर. हम सब दुबई गए थे, वहाँ पर प्री फिनाले राउंड्स हुए थे, बीच वेयर राउंड हुआ, उनके साथ पर्सनल क्वेश्चंस हुए, ग्रूमिंग राउंड्स हुए. तो बहुत जानने का मौका मिला है आपकी बार कंटेस्टेंट्स को. आई थिंक पर्सनली बहुत जानने का मौका मिला है. हर कोई एक जर्नी रही है, हर एक की एक पास्ट रहा है. कुछ लोग सेपरेटेड भी हैं और काफ़ी सिंगल मॉम्स हैं. सो एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेटफॉर्म है उनके लिए अपनी पहचान बनाने का. एब्सोल्युटली वेरी इंस्पायरिंग एंड मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन. यस, इंडस्ट्री में फिलहाल मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का फोबिया है, बट डेफिनेटली इफ गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू टेक द चैलेंज टू ओवरकम योर फियर. या कम ओवर माय फोबियाज. एब्सोल्युटली आई थिंक आई वुड अग्री. इट्स अ पॉपुलर शो, वेरी वेरी थ्रिलिंग. और कुछ ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं जो लाइफ में यूजुअली आपके सामने नहीं आते, तो डेफिनेटली आई वुड. बहुत सारे आपको फियर्स शायद आप डिस्कवर करते हैं खुद में. yes. कि क्या आपके फियर्स हैं एक्चुअली. दूसरों को देखकर तो लगता है हाँ मैं ये बिल्डिंग पर चढ़ सकती हूँ, बट जब खुद पर बात आती है तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली आपके फियर्स क्या हैं. सो डेफिनेटली वुड लव टू. वेल आई थिंक आई डोंट वांट रिवील टू मच, बट देन यू वुड सी मी वेरी सून इन अ टीवी शो. मुझे तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं पार्ट ऑफ भाग्य लक्ष्मी ऑन जी टी वी एंड ऑफ कोर्स आई एंकर सास बहू और बेटियाँ फॉर गुड न्यूज़ टुडे. सो राइट नाउ माई हैंड्स आर फुल एंड द डेट्स आर फुल, बट इफ सम एक्साइटिंग वेब प्रोजेक्ट कम्स बाय आई वुड लव टू. या थैंक यू. इंडिविजुअल साथ में हुई.
Introduction video about the Central Bureau of Narcotics. He also works with the foundation that is Save the Children, and he also is an active participant for the cause of women trafficking and children education. Ladies and gentlemen, can we all welcome on stage Mr. Sunil Shetty, sir. Bollywood films, drugs, aasani se log kehte hain. फिल्मों से जुड़े हो तो आप ड्रग से जुड़े हो, क्योंकि फिल्मों में ये दिखाया जाता है और फिल्मों में ये होता है. और हमारा मानना है कि फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर होकर वो कहानियाँ कहने की कोशिश करती है. मीडिया में सारे मीडिया वालों को नहीं ब्लेम करता हूँ, लेकिन उनको भी नशा है DRP का, उसका क्या कहें. जैसे आपने कहा, अगर सही तरीके से दिखाया जाए चेंजेस एवरीथिंग. यहाँ से मैं शायद एक गेस्ट की तरह आया हूँ और आई डिडंट एंजॉय माई सेल्फ ऑन दैट सीट आउट देयर. मेरे दोस्त राजेश जी के साथ यू नो विद द एंटायर टीम ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स एज कंपेयर टू सिटिंग देयर एंड लिसनिंग. जहाँ कहानी एक ही है, दुश्मन हमारा एक ही है, द ट्रैफिकिंग दैट इज गोइंग ऑन. संजय जी से मेरी बात हो रही थी, यू नो डेप्यूटी कमिश्नर नारकोटिक्स, और उनका कहना ये था कि सुनील, पहले किलोज में ड्रग्स आता था, अब टन्स में आता है. दैट इज आवर प्रॉब्लम, इट्स आवर कंट्रीज प्रॉब्लम. वेदर इट्स द मीडिया, वेदर इट्स एक्टर्स, वी ऑल हैव टू गेट टुगेदर एंड स्टॉप दैट ब्लडी ट्रैफिकिंग दैट इज हैपनिंग. नॉट द कंजम्पशन, कंजम्पशन हमारा अपना है, हमारे बच्चे हैं, तो उन्हें कैसे देखें हम, क्रिमिनल के तौर पर, ट्रैफिकर के तौर पर? नहीं. लाइक डॉक्टर सारिका सेड एंड शी सेड इट सो ब्यूटिफुली, मैम हैट्स ऑफ, विदाउट यूजिंग टोन्स दैट इम्पैक्ट पीपल, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से सबको समझाया कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट है, कि हर एक को चाहे 60 साल का हो एक बच्चे की तरह देखना जरूरी है. बच्चा जब गिरता, आपने वही एग्जाम्पल दिया कि बच्चा गिरता हम हाथ पकड़ के उसे उठा लेते, लेकिन अगर बॉलीवुड एक गलती करती है तो बोलते हैं कि चोर है, डकैत है, सब ड्रग एडिक्ट्स है. नहीं, मैं 30 साल से इंडस्ट्री में, और 300 दोस्त हैं मेरे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं है. लाइक यू सेड द गेटवे, यस दैट गेटवे हैज टू स्टॉप देयर. सो लेट्स ऑल गेट टुगेदर टुडे. आई थिंक इट्स एन आई ओपनर. राजेश जी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप्स दैट आई हैव एवर अटेंडेड, व्हिच इज आवर कंट्रीज प्रॉब्लम. That we need to come together to stop trafficking. अगर आपको दिखाई दे कि कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, लटकाओ उसे, फांसी पर चढ़ा दो, मैं बोलता हूँ. And that's the only answer. लेकिन अगर कोई consume कर रहा है, तो उसे बच्चे की तरह देख के उसे सुधारने की हम कोशिश करें. I think that's what is required. एक हीरो बनने के लिए हेरोइन की जरूरत नहीं है, हीरोइन की जरूरत है. लेकिन मीडिया उसे हेरोइन बना देती है.
You know, so let's the media and us get together and look at every industry with a lot of love, lot of respect, because utni contribution hai hamari. Good or evil is only thing that we ever say, and we time and again say it. Aaj ek cricketer khelta nahi hai, hum bolte hain usko nikal dena chahiye. Ye nahi dekhte ki wohi cricketer cancer se abhi nikal ke aaya. I'm talking about Yuvraj Singh. Why are we so judgmental? I think if the media becomes responsible, जो हम consume करते हैं, media को जिस तरीके से सुनते हैं, देखते हैं, अगर वो हमारी वो सोच भी change हो जाए और हम बार-बार Twitter लेके किसी की band बजाने नहीं निकले, I use the word band बजाना क्योंकि वैसे ही है trolling, लेकिन एक अलग नजरिए से देखें, I think बहुत कुछ बदल सकता है, तो I think I pledge, you know, my complete support, Sanjay, to you. Rajesh ji, the entire bureau, if you need me 24/7, 365 days a year, Sunil Shetty is available, and let me trust you, and trust me on behalf of the entire industry, and I'm not just saying Hindi film industry, I'm saying the Indian film industry, each one of us will come forward to them, because hamare ghar mein bhi bachche hain. How we conduct ourselves at home is how the children will conduct themselves. Hum drug ki baat karte, cigarette chhod do, अल्कोहल छोड़ दो, अगर कंज्यूम कर रहे हो तो अपने दोस्तों के बीच में, बच्चों के सामने आप कंज्यूम करोगे तो उनको लगेगा ये अच्छा ही है. एवरीथिंग इज गुड फॉर देम बिकॉज पापा इज डूइंग इट, बिकॉज मामा इज डूइंग इट, बिकॉज भैया इज डूइंग इट, यू नो, बिकॉज दीदी इज डूइंग इट. सो आई थिंक दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स वी नीड टू पॉइंट ऑफ. सो द बेस्ट थिंग इज गेट देम इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट, गेट देम इन्वॉल्वड इन अ टीम स्पोर्ट, बिकॉज इट इज बेटर टू स्टे ऑफ ड्रग्स. That it's easier to stay away from drugs than to stay off drugs or get off drugs. So ye choti choti cheeze hain, you know, let's work on all that. Once again, thank you for inviting me here. And no, Bollywood is not filled with druggies. Galtiyan hum karte, unhe bhi bachcho ki gal dekh ke maaf kijiyega. Hashtag boycott Bollywood, hashtag Bollywood druggies, वैसा है नहीं. हमारे जैसे में बहुत सारे लोग हैं, 90% जो बच्चे हैं अच्छे अच्छे इंटेंशन से आते हैं छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से, ये सोच के मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, मैं क्यों ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा. अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लॉइट होते हैं, पहले फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होते हैं, फिर फिजिकली एक्सप्लॉइट होते, उसके बाद मेंटली एक्सप्लॉइट होते, उसके बाद दिस इज द ओनली ऑप्शन. डॉक्टर सारिका सेड कुड बी प्रोस्टिट्यूशन, कुड बी एनीथिंग. सो लेट्स गेट टुगेदर एंड सेव देम आउट ऑफ ऑल दिस, रादर देन सी देम इन दैट सिचुएशन और उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाए कि वो दोबारा कभी उठ नहीं सकते. सो गिव अस अ चांस टू स्टैंड अप एंड गिव आवर बेस्ट, बिकॉज we're all very proud Indians, very, very, very proud Indians, and every film will depict that. We have also represented our country all over the world. आज अगर दुनिया में लोग जानते हैं बॉलीवुड इंडिया को, तो बॉलीवुड एक छोटा सा हिस्सा उसका भी है. So all my friends from the media here, please, we are at our worst. We need your support and people's support. Believe in us. We can make a difference. Thank you. Thank you, sir, for this lovely note. And as sir has rightly said, let's not judge one another, let's not put someone down, because the more we judge, the more time, the more physical effort, mental effort that person takes to come out from. Ek high action drama hua tha ek mahine par, you know, kafi cheeze chali thi jahan par star kids bahut sare logo ko, you know, investigate kiya tha. Aur जैसे अभी तो उनको बरी कर दिया एक महीना, लेकिन एक हाई ड्रामा चला था. तो ऐसे केसेस में हम क्या मेजर्स लेते हैं, बिकॉज एक महीना इज़ टू मच. एक बहुत एक किसी की ज़िंदगी के अंदर बहुत फ़र्क पड़ सकता है, स्पेशली एक यंग किड हो तो ऐसे में, यू नो, व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन फ्रॉम योर डिपार्टमेंट ऑल्सो कि ऐसी चीज़ें ना हो, बिकॉज ये आई डोंट नो एक बहुत ही लोगों के दिमाग में एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट भी पड़ा था. आई डोंट नो लाइक व्हाट हैव इसको इसके बारे में कैसे क्या कहा जाए.
तो सुनील अन्ना आपसे बिकॉज यू रिप्रेजेंट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो आपसे कुछ जानना चाहूँगा राजेश जी आपसे कुछ जानना चाहूँगा इस बारे में आई थिंक पास्ट इज हिस्ट्री एंड लेट इट बी बायगॉन्स आज एफर्ट्स है सारे लोग यहाँ हैं एक कोशिश है कि एक वर्कशॉप किया जाए ताकि हमारे भी राइट्स के बारे में हमें पता चले क्रिमिनल एक क्रिमिनल और एक विक्टिम के बारे में पता चले तो आई थिंक वो मेजर्स हो ही रहे और कोशिश इसलिए आई थिंक ये वर्कशॉप है राजेश जी और पूरी टीम की तरफ से कि एक वर्कशॉप है एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी तब मीडिया की भी थी हमारी भी थी एज एन इंडस्ट्री और साथ साथ डिपार्टमेंट की है लाइक आई सेड अर्लियर द प्रॉब्लम इज द कंट्रीज प्रॉब्लम आपकी मेरी डिपार्टमेंट की लोगों की मीडिया की नहीं है इट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग्स दैट इज कमिंग इन टू द कंट्री विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम तो आई थिंक घर से अगर हम शुरुआत करें एंड ट्राई टू इम्प्रूव थिंग्स इट विल मेक अ बिग डिफरेंस या राजेश आप कुछ कहना चाहोगे इस पर दरअसल ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत ट्रायल चलती है और उस ट्रायल में जैसा इन्फोर्समेंट एजेंसी है और कोर्ट्स है वो कानून के हिसाब से काम करते हैं तो जो भी आपने उस वक्त देखा होगा वो कानून के हिसाब से ही काम चल रहा था और उस वक्त जुडिशरी को जो भी मुनासिब लगा जो सच लगा उसके हिसाब से उन्होंने वो कार्रवाई की थी और उसके बाद उस इंसिडेंस के बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ी हलचल ज़रूर मची है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल कंज्यूमर एंड अ ट्रैफिकर तो थोड़ी लॉ साइड भी कुछ बातें हैं लेकिन मैं आज नहीं बता सकता हूँ बट देर इज सर्टनली थॉट एंड टॉक ऑन हाउ टू डिफरेंशिएट तो आप देखेंगे कि आगे के समय पर हो सकता है कि कुछ चेंजेस कुछ बदलाव इस कानून में आए थैंक यू I'm Roxana from Staffordshire. I'm staying in Villepalle West. That's West I'm telling you specifically because near the station there are peddlers. And it's very fearing like for kids to, you know, they're just saying the police is taking the action and all this. What awareness of the workshop you're doing, it's a very good initiative and very good cause. So I just want to know that how can, like, they're going, police is taking the action. And after 2-3 days, you see them again, they are there. And for us, like, you know, it's scary to go on the bridge also for me sometimes. So I would, it is a request, or I would say, can you do something? It is really, really scary for our kids also. Our kids are also passing. They are school students, college students. So I would like to request do anything for that area. I'm staying over there. That is true. No, it is not about only your area. There are so many areas where hidden things keep on going, and now it is to be managed at a macro level. But we'll certainly, because that's why we have done this workshop at Mumbai, because Mumbai has a lot of challenges and threats also. Marathi bolte na pradurbhav, ite pradurbhav par jasta hai. So we'll take up this matter with the local administration also, and we'll convey them to you later. Thank you. Hello, so here Mayura. I have a question. Like when we talk about consumption of drugs, तो कोशिश ये होती है कि बचपन से ही उनको इतना पक्का बना दिया जाए कि वो इस बारे में सोचे ना. So like we say कि sex education ज़रूरी है school में. या फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन ज़रूरी है स्कूल में. आर वी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस रिगार्डिंग ड्रग्स विद स्कूल चिल्ड्रन. इज देर एनी प्रोविजन टू हैव सच कोर्सेस और लाइक मे बी कंपल्सरी ऑप्शनल. अभी इतना तो नहीं सोचा लेकिन क्या ऐसा कुछ प्रोविजन है कि स्कूल में करिकुलम के साथ में ही ऐसे टॉपिक्स को भी लिया जा सके. थैंक यू. दिस अ वेरी गुड सजेशन. आई थिंक दिस कैन बी टेकन अप. अभी जैसा मैंने कहा कि एक हलचल एक काफ़ी इसमें मूवमेंट्स है इस विषय पे. तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आल्सो मस्ट बी थिंकिंग टू इंक्लूड सम जनरल काइंड ऑफ टॉपिक. बट
क्योंकि एजुकेशन में जो जो भी घातक विघातक परिणाम वाले चीज़ें हैं जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह आती हैं तो ज़रूर उसका प्रभाव अच्छा पड़ सकता है. आई थिंक यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस. या मेरा मिस्टर राजीव निवतकर हु इज़ अ कलेक्टर ऑफ मुंबई ही इज़ डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब ही इन दिस नशा मुक्त भारत अभियान विच इज फॉर द मुंबई डिस्ट्रिक्ट. What he did on the first meeting itself is he invited the education department, and I think Nasha Mukta Bharat Abhiyan has a provision where the schools are to be incorporated. The education department, the colleges, the universities are to be incorporated. There will be local groups of the children and the guides. They guide, the guides can be the teachers or the parents also. And such local groups are to be trained. They are called the volunteers of Nasha Mukt Bharat, and they will be training the further people. So such training have happened in Mumbai district, and the school and colleges program, the NCC is involved. The NSS is involved, not the NCC. And the programs are conducted at various level. Because it started in pandemic, I myself have conducted a lot of online programs for the school children. And of course, we do it through our department, like the Re-Addiction Center. But yes, Nasha Mukta Bharat Abhiyan has given a push to it. And most of the schools are conducting it. Or it is almost made compulsory that every school should have one such program, and they are supposed to post it and inform the education department they have done it. So I would say it has started. And one more thing I would like to add, which was for the previous question, this Gaav Tithe Manas Upchar, this drive is going to go for the entire western zone of India, which includes Maharashtra, Goa and Gujarat. So in all these three states, a mental health professional, especially the psychiatrist, have gathered together, and they will be doing the drive so that we reach to as many homes or as many societies or as many people possible, so that victims are not targeted as bad people and they are looked upon as patients. Thank you. Thank you. Thank you. Good afternoon, all of you. Sir, all of you. One minute. Yeah. Drug abuse is increasing in our country. Drug abuse is increasing in our country. Especially among the youth. And this is a matter of concern. I place that. I will cooperate in stopping the drug abuse. I promise that. I will not consume any harmful or illegal drug. In any way for any purpose. I will create awareness about the ill effect of drug. Abused by encouraging every person, especially the youth, so that the youth of India can live drug free, and they can become creative, an important member of the society. Thank you. Now, I would request all to join for a lunch. Let's do the pictures first, huh? Yeah, please. आप आ जाइए. वीडियो सर, एक मिनट पीछे. बाबू स्टेज पे. सॉरी. यस. सर लुक गया. Questions? Ah, sir.
सर ड्रग अब्यूज़ की बात की जाए तो ड्रग्स जो है बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी कंट्री में, क्या कहेंगे उसके बारे में? ज़रूर हो रहा है और इसीलिए आज अवेयरनेस ड्राइव हुआ है, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहाँ जनता भी थी, मीडिया भी थी, ब्यूरो था और यू नो मैं हूँ, तो आई थिंक एक डेफिनेट एफर्ट जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग अब्यूज़र्स को विक्टिम की तौर पर न देखते हुए एक एक पेशेंट की हैसियत से देखे, और जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द कंट्री, उसके लिए रोक लगाया जाए, हम सब मिलके ये कोशिश हम सब की होनी चाहिए। सर बॉलीवुड की बात की जाए तो सर बॉलीवुड में एक इजी टारगेट बनाया दिया जाता है, जैसा आपने भी कहा अभी आपने खुद ने कहा कि इजी टारगेट है, तो बॉलीवुड जब अच्छा काम करता है तो इतना लोग मतलब जान नहीं पाते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये मैं नहीं मानूंगा, बॉलीवुड जब अच्छा काम करता है तो अच्छी बातें होती भी है, और जब हम गलतियां करते हैं उस गलतियों को गलतियां ना दिखाते हुए आरोप के तौर पे दिखाया जाता है, बहुत बड़ा क्राइम की तरह दिखाया जाता है, तो रिक्वेस्ट यही है कि जिस जिस लेवल की बात हो वैसे ही किया जाए। अवेयरनेस करना कितना ज़रूरी है लोगों को? नहीं सर, आई थिंक आप नहीं नहीं आज ये 25 जून को एक वर्कशॉप यहाँ पर हमने किया है जिसमें हर तरह का सब्जेक्ट कवर किया है, इसमें आप हेल्थ कॉन्सिक्वेंस की बात की हमने मैडम सारिका के द्वारा, और जो कानूनी कार्रवाई जो होती है लीगल कॉन्सिक्वेंस, जैसे 5 ग्राम से लेके तो जो भी नोटिफाइड कमर्शियल क्वांटिटी उसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है, 1 साल से लेकर तो 30 साल तक सज़ा होती है, दंड होता है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। सुनील जी ने इंस्पिरेशनल अपना टॉक दिया है और बहुत मुद्दे की बात की है, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप आज हमने यहाँ पे किया है, और इस तरह के वर्कशॉप हम जितना ज़्यादा करेंगे जो भी लेवल पे संभव है उतनी समझ आपकी बढ़ेगी, और गुनहगार भी कम हो गए और गुनाह करने की संभावना भी कम होगी, तो हमारा जो नशा मुक्त भारत का जो नारा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसको साकार करने में बहुत जल्दी हम पहुँचें। और आई थिंक शायद एक गैप जो है उसको भी ब्रिज कर रहे हैं हम लोग, कि डिपार्टमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट की हेल्प लेके अगर हम आगे बढ़े तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। कोऑपरेटिव साइड भी हम दिखा रहे हैं, सुनील जी और हम आज एक स्टेज पे खड़े हैं, और सुनील जी अपने आप में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट के एम्बेसडर है, इज़ अ वेरी चोजन पर्सनैलिटी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो ये कोऑपरेटिव साइड भी हम दिखा रहे हैं, और ये एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर ही काम होगा, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, और भारत में हर जिम्मेदारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, कोई भी एक डिपार्टमेंट कोई भी समस्या का समाधान नहीं दे सकता, तो इसलिए हम लोग कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, कलेक्टिव जिम्मेदारी कर रहे हैं। ड्रग्स इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेचने वाले जो जगह जगह अब शाम होती है मुंबई के बहुत शहरों में, बहुत सी जगह में ड्रग्स बेचने वाले माफिया बहुत है, उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उसको जेल में डालते हैं। डेफिनेटली आनी चाहिए, और इसीलिए स्पोर्ट्स इंस्पायर्ड फिल्में आती है, देशभक्ति की फिल्म आती है, बॉर्डर क्या है इसमें हम ये नहीं दिखाते कि ड्रग्स के नशे के बारे में नहीं दिखाते, लेकिन देश के देशभक्ति का जो नशा है वो दिखा रहे, ट्रू सोल्जर। सो ऐसी फिल्में अगर इंस्पिरेशनल फिल्में बनाई जाए तो अच्छा ही है, यू नो एक अलग नशा, जैसे सर ने इससे पहले स्पीच में भी कहा कि नशा होना चाहिए, लेकिन यू नो अपने करियर की तरफ, एक स्पोर्ट की तरफ, विकास की तरफ होना चाहिए। माई पर्सनल बिहेवियर, जैसे माँ बाप घर पे बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे बिहेव करते हैं, बच्चे सुन के नहीं, आपकी कभी सुनेंगे नहीं, आपने अगर बच्चों को कहोगे कि ये करो या ये मत करो वो कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप खुद वो नहीं करोगे तो बच्चे नहीं करेंगे, दे विल ऑलवेज फॉलो इन योर फुटस्टेप्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड मैंने कभी आहान को या आतिया को ये नहीं कहा कि ये करो या ये नहीं करो, बट आई हैव ऑलवेज मेड देम अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट।
तो हम ऐसा मान लें कि सुनील जी को 40 एज का दिखने का या और डे बाय डे यंगर दिखने का नशा है. Sir, you rightly mentioned that sports is another way forward for helping in terms of physical and mental health. And confidence. Confidence for the children. When a child is confident, when a child believes in team effort, believes in losing, learning how to lose and how to win, he will automatically stand tall in his life, you know, because losing is something that generally shakes people up in life. Ki are main nahi kar paunga, lekin jab ek team effort hoti hai aur aap girte ho aur uthte ho aur wapas khade ho jate ho, I think wo confidence aap mein aa jati hai, and you will never restore to anything that you will depend on for the rest of your life. Thank you. Just one line from my side. It is a Central Bureau of Narcotics. When you are giving news or flashing it, please say Central Bureau of Narcotics. It is Ministry of Finance. It is not NCB. Okay. Yeah. So thank you once again. Thank you. Piche. Camera piche. Tripod piche. Le lo. Idhar aa. Piche. दिशा दिशा चाहिए लो, लास्ट मार्क, लास्ट मार्क.
दिशा दिशा लास्ट मार्क बोलो बाद में चलो बोलो दिशा स्टार्ट में दिशा दिशा मैम दिशा मैम लास्ट पार्ट साथ में हम लोग का भी ख्याल रखिए दिशा मैम दिशा मैम आदित्य आदित्य साथ में कुणाल भाई साथ में ही है अमृता मैम होल्ड अमृता मैम मैम वन मैम लुक या मैम सर 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 लुक यार मैम जाना तुझे रोको थैंक यू बड़ा था अरे इधर उधर भाग रहे यार हैं अंजनी आप अरे भाई गाड़ी अंजनी ये गाड़ी हटना हमारे लिए अरे गाड़ी नहीं हटेगी वेट 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 उधर आ रही उधर आ रही उधर नहीं मिलेगा उधर से वेट 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 उधर रुक गया इधर नहीं रुक गया उधर ज्यादा वेट दिया इधर थैंक यू राइट में वेट कर सर थैंक यू
यहाँ पे आ जाओ इधर आ जाओ ना मैं कहाँ रोक रहा हूँ आ जाओ मेरे तो छापने बस यहाँ पर देखे सर 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 यहाँ पर देखिए उमा जी सोलो उमा और साकिब मैडम ये रुकिए सोलो सोलो उमा सोलो 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 उमा जी सामने देखिए उमा जी साकिब भाई के साथ मैडम बस गया जी सामने मैडम जी इधर जाफर कौन है प्रज्ञा जी एक सोलो करते फिर प्रज्ञा जी एक सोलो काट दूं चलो फोटो सेंड ओके सर सामने ये भाई फोटो मारने के लिए आ जाओ ओके सर थोड़ा सेंटर में आ जाना बस बस सर सामने देखो सर ट्रेलर तोड़े टाइगर भाई टाइगर भाई टाइगर भाई टाइगर
नहीं मिलेगी। आपने मेरे को रुक जाना था। बारा जी कैसे हो? बहुत अच्छी। बारा जी आपके नमस्ते नमस्ते। बारा जी आपके नमस्ते। बारा जी रुक जाइए जरा। बारा जी आपके लेफ्ट में। बारा जी आपके लेफ्ट में। साइकिल पे करते फोटो साइकिल पे बैठ जाओ आप भी ना। ब्लैक एंड रेड मस्त कॉम्बिनेशन। थैंक यू झालो वो हो झालो सिंगल सिंगल गर्ल्स मैम सोलो मेरा तो सोलो वो उधर ले रहे हैं ना इसके लिए थोड़ा उधर कर दो अच्छे से होगा ना अंडरस्टैंड थैंक यू जस्ट थैंक यू होगा खत्म एक अरे तबियत ठीक लगता है मैम यहाँ पर थैंक यू हेलो एवरीवन हाय हेलो हाँ जी इट ऑलवेज फील्स नाइस व्हेन यू गेट रिकग्निशन फॉर योर वर्क ऑफ कोर्स सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू बी हियर टुडे एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू भारत आइकॉन अवार्ड्स फॉर ऑनरिंग मी टुडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट I'm getting the Best Supporting Actress Award today. It's been 2.5 years for me in the show and it's been a beautiful journey till now. Har din kuch naya seekhne ko mila hai, of course, because aap itne iconic show ka hissa ho aur itne sare jo legendary actors hai, senior actors hai, unke saath aapko roz kaam karne ka mauka milta hai. So I feel really fortunate enough to be a part of such an iconic show. ये universal question है इसका answer मैं नहीं दे सकती सिर्फ हमारे producer ही दे सकते हैं। हमने सुना है कि नया दया फिल्म audition चल रहा है। Kishan, let's not take that question please. I'm sorry. Next question. Although you have got a new group, so what you would like to say about that? Tapu Sena is of course very close to my heart. Show mein jo unki bonding dikhai hai, real life mein bhi we all are very close friends. Aur set par actually pura family wala mahol hi rehta hai. Matlab sab log bolte hai ki on screen chemistry kaise nikal ke aati hai, to wo isliye nikal ke aati hai because off screen bhi we are so you know close aur hum log saath mein bahut time spend karte hai aur bahut ek family wala hi mahol bana rehta hai hamesha. You guys have my heart. Thank you so much for loving me, for supporting me. बहुत नई नई मैं इंडस्ट्री में हूँ अभी 2 साल ही हुआ है लेकिन इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया है and it's really overwhelming. So thank you so much. Thank you. Award लेकर आते हैं.
ओके यस अब पूछो पहले थोड़ा विजुअल्स कर लेते हैं प्लीज येलो Not complaining, no? Okay. He complains the most. With trophy. All the trophy. Thank you. नमस्कार भारत हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से आज ये भारत आइकॉन अवार्ड दिया गया है तो मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ थैंक यू वेरी मच इस भारत आइकॉन अवार्ड के लिए और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू वेरी मच मेरे अभी नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आ रही है जादूगर तो ज़रूर देखिएगा बाकी बहुत फिल्में हैं उनका शूटिंग जारी है हरी ओम हरी करके एक फिल्म आ रही है बहुत सारी फिल्में हैं थैंक यू मुझे नहीं मालूम अब तक हाँ हेरा फेरी नाम से सभी एक्साइट होते हैं वैसे मैं भी एक्साइटेड हूँ थैंक यू नहीं मुझे मुझे किसी ने संपर्क तो किया नहीं है मुझे मेरे पास अगर कुछ बात आएगी तो ज़रूर बताऊँगा आपको थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक्स अ लॉट Thank you.
साइड साइड John collection right after this. For now, may we please give it up for Krishna Bhardwaj. The Fame Gupta, ladies and gentlemen, for the men's collection. May we please give a loud applause to Mr. Vivek Gupta with our showstopper, Krishna Bhardwaj. A very renowned Indian television actor. We truly appreciate all the great characters played by him in several films. And ladies and gentlemen, thank you for the music. We'd like to felicitate you and present the award to you as well. And to do the honors, yes, Rohit Ashish sir, please can I have you here? Because Rekhaji's holding the phone as if she just wants to, you know, have a great recording for you. Hello, how are you doing? So happy to see you here. Thank you. I'm going to please request you, sir, to kindly present the award to Krishna Bhardwaj ji. Ladies and gentlemen, Pia Basanti Re, Tenali Rama, Lakshman Ki Dunya, R.K. Lakshman Ki Dunya, Sukh by Chance, and of course, Jasubhen Jayantilal Joshi Ki joint family. Let's give it up for the one and only Indian television actor born in Ranchi, Jharkhand. Heartfelt congratulations to Krishna Bhardwaj. Krishna ji. At first, you're looking dapper, and of course, you're the showstopper. At the same time, aapne itna bemisaal kaam kiya hai. Aapka naam Krishna hai, so are you fond of Radha ya Meera? Or all the gopis around you? Good evening. First of all, you are looking ravishing. You're looking like you're a mix of Radha, Gopi, and Meera, and everybody right now. Then, so I'll give the mic. Krishna Bhatt ke saath wo mera pehla kaam tha. जे डी मजिठिया साहब का सीरियल था जसुबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली. बहुत ही बेहतरीन सीरियल था जिसमें मैंने कृष्णा के बहुत सारे एक्टिंग के जो पक्ष थे उनको जाना. बहुत गहराई से ये कैरेक्टर स्टडी करता है और ये बात मुझे बाद में पता चली क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन ये पूछता था कि अगर मैं ये सीरियल अगर मैं ये सीन कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ. आप मुझे बताइए कि इस सिचुएशन के पीछे क्या हो चुका है. तमाम तरीके की चीजें जो हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में स्टडी करते हैं वो बिना स्टडी करके मुझसे पूछ रहा था, डायरेक्टर से पूछ रहा था. और मैं कह रहा था यार कृष्णा देख तू स्पॉन्टेनियसली चीजों को कर, और जब ये करता था तो बेहतरीन करता. उसके बाद जब मैंने तेनाली राम में उन्हें देखा तो मैंने एक अलग पक्ष जाना इनका. द स्टाइल towards the head ramp. Can you please have the music, ladies and gentlemen? Wow, let's give it up for the handsome arms. Yay! Krishna, Vivek, Rohit Ashish. Wow. Rohit Ashish, sir, I'm going to request you to kindly stay back here with me. A very well-known celebrity makeup artist who's best known for his natural, minimal makeup looks. May I please request our recipient, Rishabh Khanna, to kindly join us here on stage. Heartfelt congratulations to you, dear Rishabh. Every supermodel, every actress would love to be, of course, and have the right look by the one and only Rishabh Khanna, ladies and gentlemen. Akhil Bansal sir, please kindly join us here. Akhil Bansal sir, please join us. Bahut bahut badhai ho aapko Rishabh Khanna ji. I'd like to thank everyone to kindly receive the award on his behalf. Congratulations to Sanjay Gagnani ji. I just met him 10 days back at the IFA Awards. So congratulations to you, dear sir. Presenting the lovely fashion sequence, and meanwhile our jury has probably done all the permutations and combinations. I'm going to come and collect, of course. Let us
truly announce the final winners, but before that, this is the utmost exclusive sequence. Sir, wait for visuals. Yeah, par. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Rekhaji, for observing it. Thank you. We'll have the queens having the final walk, our inaugural Miss Teen Bharat Icon and Mr. Bharat Icon 2022. Heartfelt congratulations to our winners. Thank you. We'll have the walk right after this. Request Rohita Shiv sir to kindly sash our winner of Mr. Bharat Icon. Congratulations to Roshan. Thank you, ma'am. Please request you all to be here with me in this night. Congratulations to yourself, please, everyone. All our four winners, please come. Come. My lovely girls, come. Please hear this. Dear, sweetheart, come. Ladies and gentlemen, may we please have our Mrs. Bharat Icon contestants. May we please, at first, welcome Rekha Shukleja ji, our recipient of the prestigious Bharat Icon Award, Miss Rekha Shukleja ji. Miss Rekha Shukleja ji, please, can I have you here? Oh, the supermodel! Wow, I'm so glad to have you here with us at the right time in the center. And please kindly be here with us for the crowning ceremony as well. Thank you, Rehan and all of them, that we of course got the presence of this lovely queen of ours. Ladies and gentlemen, sorry. Ladies and gentlemen, presenting the utmost prestigious Bharat Icon Award to our supermodel of the year, Miss Rekha Shukleja. Heartfelt congratulations. The lovely lady in black, the one who's been ruling the rank world, who's won accolades, ladies and gentlemen. Sanjana John, ma'am, please join us. Jia, sir. Shamiji, please join us. Thank you. Ladies and gentlemen, congratulating Shweta. It's time for us for our first runners-up, the Mrs. Bharat Icon and the winner is. Any guesses? Well, I'm going to please request Jia sir and Rohita Shiv sir to kindly do the honors of crowning our first runners-up, Chanchal. Congratulations to Mrs. Chanchal. We'll be right back.
the judgment has been since the last 4 months. Today is the grand finale. It's just one aspect, but we also had several other rounds online as well as live talent round. So it's the total of all the marks. All right, so sabse pehle to congratulations. Shukriya. Iske baad ye chapter 2 aa raha hai. Logon ne bahut hi appreciate kiya. Like lockdown mein humne jab dekha ye film aayi thi OTT par, kuch time par logon ne bahut hi appreciate kiya. Now aaj hum chapter 2 par pahunch gaye. Trailer aa gaya, teen gaane aa gaye. ट्रेलर को बहुत ही अप्रिसिएशंस मिल रहा है. सॉरी भाई मैं ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुंच पाया, आई एम सो सॉरी. वरना आप जहाँ वहाँ तो मैं रहता ही. एंड गाने भी हैं, लोग बहुत पसंद करें. तो आप लोग बताइए कैसा कैसे देखते हैं आप लोग अब इस फिल्म को, कि लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया फिल्म वन से. नहीं, खुशकिस्मत हैं हम लोग. और जिस तरह से तो OTT में जब हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी उस दौरान कोई कर नहीं रहा था OTT में फिल्में रिलीज़. हम पहली फिल्मों में थे और लकली हम लोगों को बहुत तारीफ़ मिली. और अब हमारी जिम्मेदारी थी कि अब हम थिएटर में आने वाले हैं, तो लोगों को लगता था कि और क्या करेंगे ये लोग, कमाल करना चाहिए. दे लव्ड इट, बट उनको वो पूछते थे कि अब क्या होगा सर, कैसा होगा एक्शन. सो अब समय आ गया, थिएटर में आइए और देखिए. जो आप चाहते थे हमने उससे थोड़ा ज़्यादा कोशिश की है. आगे बढ़ने वाली है और इंटेंसिटी के साथ, और इमोशन और ड्रामा और एक्शन और भी ज़्यादा रियल है. सोशल इशू को काफ़ी हम टच कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अडॉप्शन, नरगिस और समीर का रिलेशनशिप कैसा है. हम वही डिस्कस कर रहे थे कि खुदाफिज़ वन का जैसे एंड होता है वो लगता है कि हैप्पी एंडिंग है, लेकिन एक्चुअली कपल के ऊपर क्या बीतती है वो सिर्फ एक कपिल को ही पता होता है. तो ये कहानी एक्चुअली उसकी है कि वापस आते हैं, आपको सच्चाई दिखाते हैं कि दिस इज़ द रियलिटी. मेंटल ट्रॉमा, हाँ जी, तो सोसाइटी ब्लेम करती है, पिटी दिखाती है, विक्टिमाइज करती है. तो हाउ दे कम आउट एज वॉरियर्स इज द स्टोरी अबाउट. जी बताइए, ये अग्नि परीक्षा कैसे पास करने वाले हैं आप लोग? मैं कहर मचाने वाला हूँ. अच्छा, मुझे मेरी बेटी चाहिए वापस, बस. चाहे मुझे जान लेनी पड़े, चाहे जान देनी पड़े. बट हर माँ बाप का यही होता है. मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ और कहते हैं कि जो माँ बाप का प्यार होता है उससे ऊपर होता नहीं है. अगर आपके बच्चे को थोड़ी चोट भी लग जाए ना, तो आपका मतलब दिल टूट जाता है. ये सुना था, खुद के हमारे बच्चे नहीं हैं, बट फिल्म करते वक्त समझ आ गई कि वो कहाँ से आता है गुस्सा. बच्चे के लिए आप सच में अपनी जान दे तो सकते ही हैं, ले भी सकते हैं. और ये हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया. ये दर्शक देखेंगे कि व्हाट इज रियली लव, लाइक व्हाट इज द लव फॉर द किड्स. शिवालिका जी आप बताइए, अगली परीक्षा में कैसे पास होने वाले हैं? 8th of July तो आई थिंक जब लोग थिएटर जाएंगे तब बताएंगे कि हम पास हुए कि नहीं हुए अग्नि परीक्षा में. हमने एक्चुअली हम अपने कम्फर्ट जोन के बहुत बाहर गए हैं. खुदाफिज़ 2 में लोग बोलते हैं ना कि सीक्वल सेम लेवल का हो या ऊपर का हो तो चलता है. मुझे लगता है हम काफ़ी आगे निकल गए इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी. सेम इंटेंसिटी का तो काम नहीं करते हम दोनों. आई डोंट थिंक वी वुड हैव डन समथिंग सिमिलर और लेसर टू खुदाफिज़ 1. तो कोशिश पूरी की है. मेंटली इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है ये प्रोसेस, लेकिन आई होप पीपल लाइक समीर एंड नरगिस ऑन स्क्रीन अगेन. हमें तो मैसेजेस एवरी डे जब से खुदाफिज़ 1 रिलीज़ हुई है तब से तो रोज़ ही आया है, वी वॉन्ट टू सी समीर एंड नरगिस बैक ऑन स्क्रीन. एंड फाइनली वी आर इन थिएटर्स आफ्टर 2 years. भाई खुदा हाफिज़ जो रिलीज हुई थी चैप्टर 1 की, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था थिएटर में, OTT में आई थी. एंड लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को, बहुत ही बेहतरीन बनी थी. एंड नाउ अब हम ऐसे फेज में हैं, थिएटर चालू है, फिल्में लग रही हैं, फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही हैं. चाहे आप देख रहे हैं, आप तो ऐसा टाइम हो गया साउथ से लेकर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक. तो अब हमारी फिल्म खुदा ऑफिस पर आ रही है, आपसे भी सवाल, तो कुछ प्रेशर है इस फिल्म इस बार को चैप्टर 2 को लेकर कि अब तो मतलब हम थिएटर में आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि पिछली बार OTT में आई थी और बहुत खुशी हुई थी कि अरे OTT में आए और लोगों को पसंद आया है. ये तो वो था ना, घर बैठ के आप डिसाइड कर सकते हैं. अब
ये दूसरा पहलू है जहाँ पे लोग थिएटर जाएंगे, बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि हमेशा से सुन रहे थे कि ऐसी फिल्म थिएटर में आनी चाहिए, थिएटर में आनी चाहिए. सो अब आ रही है, देखते हैं क्या होता है. मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले से बेटर करने की. लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आगे इस कहानी कहाँ जाती है. तो मुझे लगता है बेटर करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था. नरगिस एंड समीर दोनों काफ़ी अलग तरीके के इंसान हैं इन द फिल्म. एंड हमने कैसे डिफरेंट किया था फ्रॉम द चैप्टर वन इज़ व्हाट यू विल सी इन चैप्टर टू. तो जितनी मेहनत की है लेट्स सी होपफुली. एंड शिवालिका जी, विदित जी जो है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब सबसे फिटेस्ट एक्टर माने जाते हैं, सभी जानते हैं, आप और कितना इनके बारे में जानती हैं कि ये कैसे कैसे इंसान हैं, क्या क्या जानती हैं आप इनके बारे में फिल्म के दौरान, क्या क्या जानती हूँ सब बता देना. एक्शन हीरो है, एक्शन हीरो है लेकिन उतनी फनी है. ये तो है, इसको पता है. उतनी फनी है, बहुत रियल है, बहुत हम्बल है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ वेरी काइंड, ही ट्रीट्स एवरीबडी विद रिस्पेक्ट, जो बहुत बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू बी लाइक दैट. जो सारी ऑडियंसेस एक्चुअली लुक अप टू यू, इनकी जो फैन फॉलोइंग है ऐसी थोड़ी है. तुम अभी तक नहीं बैठे ना, तुम फैन नहीं हो ना असली वाले. उससे होगा क्या, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये ऐप्स ऊप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लगते हैं. अगर आप असली तगड़े मर्द हैं या इंसान हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी तगड़ी होनी चाहिए. रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होगी तो पूरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी. ऐप तो खाने खूने से गायब हो जाते हैं. सो आई थिंक काम करिए अपनी रीढ़ की हड्डी पर. स्पाइनलेस मैन कहावत है, इसका मतलब ही यही हुआ कि तुम्हारी स्पाइन कमज़ोर है. नहीं, जब आप फिल्म ख़त्म कर देते हैं तो आपको लगता है हमने अपना काम कर दिया. बट गाने, हम दोनों बात कर रहे थे कि बहुत खुश हैं कि तीन सूफी गाने और एक से एक उम्दा है, एक हक हुसैन भी है, चार गाने हैं. सो खुशी तो होती है जब आपकी फिल्म के सारे गाने लोगों को पसंद आते हैं. अभी देखते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है. जान मन गए के बाद एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थी. मुझे लगता है कि हमने, हमारे सारे गाने एक्चुअली उस लेवल के, सो लोगों को पसंद आ रहा है. एंड आई फील इट्स वेरी रियल. द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमने वो गानों के बगैर शूट किया है, तो वो गाने रेडी नहीं थे. हमने एक्चुअली शूट किया है विदाउट द सॉन्ग्स. अब विदित जी, देखिए आपके बारे में कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताया. आप बताइए भाई कि शूटिंग के दौरान क्या कुछ क्वालिटी अच्छी लगी आपको शिवानी का जी? नहीं, बहुत क्वालिटीज अच्छी हैं. नंबर वन, इनको पता ही ब्यूटीफुल है, वो तो दिख ही रहा है ना, वो तो दिख रही है. उसके अलावा क्या बताऊँ यार. हार्ड वर्किंग तो होना इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत ज़रूरी है. हार्ड वर्किंग भी हैं. आई लाइक द वे शी इज़ ऑन द सेट, क्योंकि ये पहले एडी रह चुकी हैं, इन्होंने काम किया है, सीखा है. सो इनको पता है कि हर इंसान की क्या जिम्मेदारी है सेट पे. जिस तरह से लोगों से मिलती हैं, आपको पता लग जाता है कि इनको तमीज़ है दूसरे से कैसे बात करने की और कैसे उनसे बात करवाने की. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है एक एक्टर का. आई थिंक इनको ये सब पता है. अपार्ट फ्रॉम अ ग्रेट परफॉर्मर, द वे शी लुक्स, देयर इज़ अ ब्रिलियंस ऑफ वॉन्टिंग टू लर्न मोर. अगर आप में चाह है ना और सीखने की, तो आप वैसे ही सक्सेसफुल हैं. वो इनमें है. अच्छा, तुम होते तो तुम्हें दुख लगता. ऑब्वियसली इनको खुशी होगी. ये सवाल का मतलब क्या है? आपको कैसा लग रहा है? मुझे खराब लग रहा है क्या? कैसा लग रहा है आपको? आप ट्रॉफी जीत गई हैं. तो नहीं है यार, हमारी फिल्म जरूर जीतेगी इंशाल्लाह. सो मैंने गाना देखा हक हुसैन, जो बहुत ही मतलब ऐसे एक्शन आपने दिखाया. तो बताइए कि अब जो एक्शन का जो लेवल आप
से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप आए हैं, एक्शन रिवर को आपको एक अलग ही अंदाज में लेके गए, तो इसमें आप कितना और लेवल को हाई करने वाले हैं विद्युत जी? जब हम खुदा हाफिज़ का सेकंड पार्ट शूट कर रहे थे तो मुझसे पूछा गया है कि अभी विद्युत क्या करना क्या है, कमाल तो किया था वन में भी, अब करना क्या है? सो आपने हक हुसैन देखा है, हम कसाईवाड़ा में शूट किया हम लोगों ने, कसाईवाड़ा होता है जहाँ पे लखनऊ में, और जहाँ शूट किया वहाँ पे शूट करना पहले मुश्किल है क्योंकि इतना आसान है नहीं वहाँ पे शूट करना। आप देखेंगे गाने में कि वो चेयर फेंक रहे हैं, बॉटलें फेंक रहे हैं। अगर आपने ज़िंदगी में सच में कभी लड़ाई की है, सच में, सिर्फ फिल्में देख के नहीं, सच में आप समझ जाएंगे लड़ाई ऐसी होती है, कोई हाथ में प्लेट आई हाथ प्लेट मार दिया, चेयर आई चेयर मार दिया, बॉटल फेंक दी। सो आप जो देख रहे हैं वो हकीकत है। लेवल ये है कि एक भी चीज़ नकली नहीं है। अगर चाकू निकाल के पेट में डाला है तो ऐसा होता है कसाईवाड़ा में, अगर लड़ाई हो जाए तो। सो ये सब सब असल का है। प्लीज़ जाइए थिएटर में देखिए 8 जुलाई इन अ थिएटर नियर यू, या तो एक घंटा दूर भी जा सकते हैं देखने के लिए, बट डेफिनेटली यू शुड बी वॉचिंग द फिल्म एंड हर इंसान को देखनी चाहिए। वी आर स्पीकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ सोशल इशूज़, यू सी समीर एंड नरगिस इन अ वेरी डिफरेंट वे, इट्स वे मोर इंटेंस एंड आई प्रोमिस यू बेटर देन द फर्स्ट पार्ट। हाँ यही है, खुदा हाफिज़ वन जिनको पसंद आई है, जो जिनको लगता है कि हम बहुत उम्दा काम कर पाएंगे, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम निराश नहीं करेंगे। गाने से लेके एक्शन से लेके इमोशन सब है यहाँ। टोटल 8 3 है आई थिंक आपके हाथों में। हाँ 8 तारीख को। नहीं ये वहम के चक्कर में नहीं है भाई, ऐसा है नहीं, स्टाइल भी कोई चीज़ होती कि नहीं। नहीं वो अच्छी ऑब्जर्वेशन है मगर दैट्स अ गुड वन, वेल डन वेल डन, बट ये उसके लिए नहीं है, बस थोड़ा मज़े आ रहे हैं। कई बार ना आपको लगता है कि हाथों में कुछ बांध लो, उतरता है तो लगता है, तो ये बांध आप संयम में रखने के लिए। थैंक यू भाई, वेल डन थैंक यू।